एवरीवन वेलकम टू सेकंड डे ऑफ भीमताल। आज हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। सो मैंने यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का जो पता किया है वो टोटल 1500 से 2000 के आसपास में बता रहे हैं। इट्स ऑन यू कि आप कितना नेगोशिएट कर लेते हो। फॉर मी दे हैव गिवन लाइक 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग गोप्रो का जो भी वीडियो का फुटेज होगा सब चीज़ होगा। सो ये अपना होटल का व्यू मैंने आपने पुराने वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। ये अपना होम स्टे है। आई हैव टेकन माई हेलमेट एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। गेट बैक टू विल हेड बैक टू द प्लेस जहाँ से हमारा पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होगा। बिकॉज मैं उनके वैन से नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा चक्कर उकर आता है, इसलिए स्टॉप तक वहीं पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ये देखो, ये वाला मैंने किया नैनीताल पैराग्लाइडिंग एडवेंचर। नंबर तो है इसका, स्किल फिर भी ले लूँगा। कब कब पैराग्लाइडिंग ऑन रहती है? ये मई जून में अच्छा रहता है इसका सीजन, मई जून में। बाकी 2 महीने बरसात में बंद रहती है, बाकी ऑल टाइम ओपन रहता है। मई जून में बरसात में बंद रहेगा जी। बरसात कौन से महीने पड़ेगा? ये जुलाई, जुलाई में बंद रहेगा। अच्छा, स्लाइडिंग वाइडिंग का उसमें वो रहता है। कितना चार्जेस है इसका टोटल? सर 2000 चार्जेस, उसमें गोप्रो ये वो गोप्रो वगैरह बाकी सर अलग चार्ज रहता है उसका। एक नीचे से बनता है, एक ऊपर से बनता है। अच्छा, नीचे वाला कंपल्सरी है, सभी का बनाते हैं। ऊपर वाला चॉइस रहेगा आपका, वो रहेगा वहाँ उसका 500 रहता है, नीचे वाले का 600 रहता है। 600। तो यहाँ पर आने के लिए क्या उसको बोलना पड़ेगा? यहाँ पे आपको नैनीताल एडवेंचर पैराग्लाइडिंग एडवेंचर क्लब करके आप गूगल में सर्च मारोगे तो आ जाएगा ना जी। यहाँ पर बहुत सारे हैं क्या? अलग अलग कई सारे कई सारे का लाइसेंस बेस्ड होगा ना? आप लोगों का लाइसेंस होगा ना, मतलब सेफ्टी रहता है, क्योंकि मैंने पोखरा वाला किया है, रिजर्व पैराशूट रहता है पायलट के साथ। अच्छा, उधर रहता है रिजर्व। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर? अभी तक तो कोई नहीं, कभी सेफ है पूरा 100%। क्योंकि मनाली में जैसे कई सारे हमने देखा था कि काफी रिस्क रह जाता कई बार, बट यहाँ पर सब कुछ सेफ है। चलो बढ़िया, ये एक स्लिप मिल रहा था। तो अच्छा, रोड खत्म हो गया, अब हमको छोटा सा एक पहाड़ सा चढ़ना है। फाइनली एक दिन और पैराग्लाइडिंग का। पिछले बार पैराग्लाइडिंग में एक यही प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ कि मैंने कार ले ली था, कार जब तक ऊपर गई मेरे को थोड़ा सा चक्कर सा आ गया था, पर ठीक है, ये वाला सही है। सो ये वो स्पॉट है जहाँ से अपना पैराग्लाइडिंग का स्टार्ट होगा। साफ़ सफाई हो रही है, आई गेस आज पहले होंगे हम आज के दिन के जो पैराग्लाइडिंग करेंगे। मेरा पायलट आने वाला है। ये देखो अपना जो पैराशूट है, ये अनबॉक्स हो रहा है। अनबॉक्स का मतलब बहुत बार अनबॉक्स हुआ है, बड़ा आज खुल रहा है अपने लिए। मेरा मेरे पास ही रखा हुआ है। अभी चल रहा है, हाँ गोप्रो वाला रहेगा, मेरा व्लॉग भी चल रहा है अपना, वो तो यहाँ तक करेगा, उसके बाद गोप्रो वाला कर लेंगे। आप रहे कुछ सर? नाना पायलट लेगा, गोप्रो को 500 रुपए चार्ज है। हाँ, कौन है पायलट? कौन? अच्छा, हाय मुदत। नाम मुदत। मैं आपका पायलट मनोज। आप फर्स्ट टाइम फ्लाइंग कर रहे हैं? नहीं, पहले कर चुके हैं। ओके, कहाँ पे किया था आपने फ्लाइंग? पोखरा काठमांडू नेपाल। तो अभी क्या है आपको ये हेलमेट गले में कम्फर्टेबल है? हाँ। तो ये सर अपना सीट है, इसको पानी आ रहा है। सो ये अपना जो मैं आपको सेफ्टी लॉक्स लगा रहा हूँ, किसी भी लॉक्स को टच नहीं करना है। टेक ऑफ टाइम में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, चलते चलते हम ऑटोमेटिक एयर बोर्न हो जाएंगे, हवा में आ जाएंगे। जैसे ही हवा में आएंगे पीछे अपने आप कंफर्टेबल सीट बन जाएगा, ठीक है, और आप इस पर कम्फर्टेबली बैठ जाएंगे आराम से। उसके बाद आपको किसी भी लॉक्स को टच नहीं करना है, आपको कहाँ से होल्ड करना है मैं बता दूंगा। ओके, टोटल कितना फीट पे जाएंगे? अभी तो सर ये विंड आज कम है, पूरा क्लाउडी वेदर है। हाँ। सो डिपेंड करेगा लिफ्ट हाइट गेन करेगा कि नहीं। ओके सर, आप ठीक राइट 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 इसको होल्ड कीजिए, स्टिक को। इसको मैंने इधर अटैचमेंट कर दिया है, ठीक। सो जब हम एयर में आ जाएंगे, एयरबोर्न होने के बाद पीछे सीट बनेगा, आप कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। उसके बाद स्टिक मैं लंबा करूँगा, ठीक ठीक ठीक। ये ऐसे आपको इसी एंगल में होल्ड करके रखना है, लाइक ऐसे रोटेट नहीं करना, ठीक। बाकी लेफ्ट राइट अप डाउन अच्छे फुटे है, गोप्रो मैं बट लाया नहीं, भूल गया ट्रिप में। थैंक यू। और बाकी जो नीचे वाला फोटोज है वो तो हो जाएगा ना? हाँ, वो उसका मैंने पे कर दिया उनको, ठीक है, वो नीचे आप कलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार मुझे दीजिए आपका लाइसेंस रहता है ना पूरा? यस सर, प्रॉपर लाइसेंस पायलट है।
तो उसमें एयर प्रेशर आएगा और वो प्रेशराइज आपको थोड़ा पीछे खींचेगा, बट आपको आगे को फोर्स लगाते हुए खड़े रहना है। जैसे ही ग्लाइडर स्टेबल होगा जाएगा आपको स्लो से चलने को बोलूंगा, सो आपको कंटिन्यू चलते रहना है। नॉर्मली बैठने का ट्राई नहीं करना है, अगर आप बैठते तो वो रिस्की होता है, ठीक नहीं है। नॉर्मली चलते रहना है, दो एंकर होंगे आपको हेल्प करेंगे चलने में। सो चलते चलते हम एयरबोर्न हो जाएंगे, पीछे सीट बनेगा, आप कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बट अभी क्या है अपना मिनिमम ही फ्लाइंग हो पाएगा, जैसे 3 मिनट 4 मिनट अच्छा इतना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लिफ्ट बिल्कुल नहीं है। सो सिर्फ टॉप टू बॉटम ही फ्लाइंग हो पाएगा, बस इतना ही हो पाएगा। हाँ, टॉप टू बॉटम ही फ्लाइंग हो पाएगा। अरे ये तो देखो बिल्कुल कम हो रहा है, स्लो, ये तो फिर बहुत कम हो जाएगा। तो 3 मिनट देखते हैं, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करना मेरे को। वो मैम पहले बैठ गए, लग जाते रहना सेफ होता है। पूरी की डिया खाली कहने को। आप रेडी हैं सर? रेडी आपकी ना, आपको चलना है। ओके ठीक ठीक, चलो नॉर्मल ले ले कौन सा ले ही देगा तुम नहीं भाई, टैंडम के पावर मतलब यू थ्रो। ओके ये आके कंफर्टेबल होके बैठो। ओके परफेक्ट। वो सामने देखिए सर, भीमताल लेकर सामने वाला भीमताल। अच्छा यहाँ पर टोटल कितने ताल है साइड में? साइड में 3-4 ताल है, एक नंबर से ताल है पीछे। अच्छा सामने नैनीताल है, फिर जो मैंने पोखरा वाला किया था ना वहाँ पर 3,000-3,500 के आसपास में वहाँ पर ले गया था, बट उसका विंड बहुत बढ़िया था, विंड बहुत अच्छा। बस कोई एक्रोबैट मत दिखाना, पिछले बार एक्रोबैट किया था मेरा हालत खराब हो गया हाइट में। हाँ अभी यहाँ नहीं। तो आपको कितना साल हो गया इसका पैराग्लाइडिंग करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका नंबर डायरेक्टली इसमें डाल दूं व्लॉग में अपने? सो जिनको पैराग्लाइडिंग का डायरेक्ट कनेक्ट करना है, सो भैया का नंबर डाल दूंगा, उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। और गोप्रो का 500 रुपये एक्स्ट्रा है वो पे कर देना, बिकॉज वो करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज आपको मेमोरी रहता है, एवरी टाइम यू डोंट गेट अ चांस फ्लाई हाई इन द स्काई, सो इट्स बेटर कि आप उसको कैप्चर कर लो उस मोमेंट को। नहीं नहीं ये उधर पीछे वाला। हाँ, जब हम लैंडिंग करेंगे आपको। ठीक है। वेंसी ड्रॉप प्रेशर बहुत ज़्यादा वो रहता है आप एक खासी हम लोग लैंड करते हैं, सो वो है पोजीशन लैंड करने का, दिख रहा होगा। वेट ओके परफेक्ट, वेट अ सेकंड ओके। चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू ब्रो। हाँ वही देंगे, सेम क्वालिटी में। ठीक है थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक्स अ लॉट। अपना नंबर बता दो ताकि मैं डायरेक्टली। हाँ 7891353567।
ओके मनोज चौधरी अरे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान से। राजस्थान के हो, क्या बात है। सो भैया का नंबर मिल गया है, आप इस नंबर पे डायरेक्टली आप कनेक्ट करके इफ यू फ्लाइंग इन भीमताल आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। इज अ वेरी गुड गाय, बहुत जेन्युइन बंदा है। अंदर इसका आईफोन यहाँ से कितना दूर हो जाता है? नैनीताल नैनीताल है कितना? 18-20 किलोमीटर बस। 20 किलोमीटर यहाँ से सोच रहा हूँ नैनीताल ही निकल जाऊँ। ये देखो ये खेत के लिए पानी है ना, वही जो डैम वाला पानी है। देखो ड्यूरेशन थोड़ा और ज्यादा होता गर्मी में ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तब आगे अपना सो चेकआउट करने का टाइम हो गया है। सो बेसिकली प्लानिंग ये थी मेरी कि मैं एक दिन और भीमताल में स्टे करूंगा बट नहीं कर पाया बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो टू नैनीताल। नैनीताल में कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था पिछली बार, वी विल एक्सप्लोर दिस टाइम। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पैराग्लाइडिंग का पूरा डिटेल्स मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना।